बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग से बलात्कार के आरोपी आरजेडी के विधायक राज बल्लभ यादव ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी जिस आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव को बिहार पुलिस पिछले एक महीने से नहीं ढूंढ पा रही थी, उसने पुलिस से छिपते छिपाते आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बिहार के बिहार शरीफ की जिला अदालत में राज बल्लभ यादव ने दोपहर में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने रेप के आरोपी विधायक राज बल्लभ को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राज बल्लभ यादव के सरेंडर को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार और उनकी पुलिस पर हमला बोला है। पुलिस झूठ मूठ के दिल्ली से लेकर मुंबई तक घूम रही थी, लेकिन राज बल्लभ गिरफ्तार नहीं की जा सके। और जब लालू यादव राबड़ी देवी ने तय किया सरेंडर करवाने का, उन्होंने सरेंडर कर दिया। राज बल्लभ ने दिखला दिया कि राज बल्लभ जैसे जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं वो सरकार से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा भारी हैं, और वो तय करेंगे कब उनको गिरफ्तार होना है। आरजेडी के नवादा से विधायक राज बल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की के रेप का आरोप है। रेप का आरोप लगने के बाद से ही राज बल्लभ फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर की कुर्की तक कर दी थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। राज बल्लभ यादव के खिलाफ हुई अब तक की कार्रवाई को लेकर जेडीयू अपनी सरकार की तारीफ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में धैर्य नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करते हैं। कानून का राज उनको सीखना चाहिए नीतीश कुमार जी से, उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं सही से, नियत सही से, तो नीतीश कुमार जी से प्रशिक्षण लेकर करके और उनके जो राज हैं उनको मुख्यमंत्री को कानून का राज इसी को कहते हैं। राज बल्लभ यादव तीसरी बार विधायक बने हैं और वो राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। रेप का आरोप लगने के बाद लालू यादव ने आरजेडी से राज बल्लभ को निकाल दिया था और अब 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया।